हेलो स्टूडेंट, आई मुस्लिम असलम। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीग्राफ एंड बाइप्रेड ग्राफ। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ आ गई हो। हमने एडजेंसी मैट्रिक, इंसिडेंस मैट्रिक एंड पाथ मैट्रिक्स की आपको मैट्रिक्स बना के दिखाई थी। आई होप अच्छे से वो आपको क्लियर हो गई हो। तो आज हम बात करेंगे मल्टीग्राफ की। तो मल्टीग्राफ में आप सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीग्राफ, तो आपका जो मल्टीग्राफ है, मल्टीग्राफ की ये जो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, इसका लिखिए अ ग्राफ कंटेन एटलीस्ट वन। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा, वन लूप और मल्टीपल एजेस इज कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ। मल्टीपल ग्राफ में क्या होता है कि आपके जो ग्राफ होते हैं, यानी कि उनका जो दो वर्टेसिस के बीच में बन रहे हैं या दो नोड के बीच में आपका कोई भी ग्राफ बन रहा है, उसके ऊपर जो एजेस है वो यानी कि वन या वन से ज़्यादा आपकी हो सकती हैं, या सेल्फ लूप हो सकते हैं। सेल्फ लूप लगे होते हैं यानी कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट बी वन है और एंडिंग पॉइंट भी बी वन है, वो सेल्फ लूप होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उनको बोलते हैं हम मल्टीपल ग्राफ। इट इज़ अ अपोजिट टू द सिंपल ग्राफ। ये अपोजिट होता है सिंपल ग्राफ एंड नॉर्मल ग्राफ के अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसका ये देख लेते हैं, एक हेडिंग और इसमें दे रखी है, मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस। तो मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस क्या होती हैं? दोज एजेस डेट हैव द सेम एंड नोड्स एंड स्टार्टिंग नोड्स बिटवीन टू पार्ट ऑफ द वर्टाइसिस। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि आपके पास दो वर्टाइसिस हैं। दो वर्टाइसिस मतलब दो वर्टाइसिस हैं आपके पास, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वी वन एंड वी टू। ये दो वर्टिस हैं आपके पास जो सेम यानी कि तो कनेक्ट कर रहा है एजेस ई वन पे, और सेम इसी वी वन स्टार्टिंग पॉइंट हो, बी टू एंडिंग पॉइंट हो, कोई दूसरा एज कनेक्ट हो रहा है ई टू। तो ये इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल ग्राफ। तो मल्टीपल ग्राफ या मल्टीपल एजेस बोल सकते हैं। अगर इस पर सेल्फ लूप लगा हो तब भी ये मल्टीपल ग्राफ कहलाएगा, यानी कि ई वन। इसका स्टार्टिंग पॉइंट वी वन है और आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी वी वन है, यानी कि सेम वर्टाइसिस से आपकी एक एज कनेक्ट हो रही है, वो क्या होता है? सेल्फ लूप। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल ग्राफ। इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए इसका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्राफ वेदर इट इज़ सिंपल और मल्टीपल ग्राफ। हमें सिंपल ग्राफ इसमें सर्च करना है और मल्टीपल ग्राफ बताना है। तो जो आपका ए ग्राफ है उसको देखिए आप, कुछ इस तरीके से है आपका ए, एकदम सिंपल ग्राफ है। ए क्या हो रहा है? बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है और सी डी से, यानी कि जो ए है उसकी एज है आपकी ई वन। हमें एजेस को देखना है ना, उसकी एज है ई वन, यानी कि वन ले लो ये, और ये टू है आपकी और ये थ्री है, यानी कि ए बी से वन ही बना रहा है, बी से सी टू बना रहा है और डी से सी पे थ्री एजेस बन रही हैं। तो यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बन रही है। तो ये सिंपल एंड नॉर्मल ग्राफ है। ए जो है आपका वो क्या है? सिंपल ग्राफ। बी आप देखेंगे, बी आपके बी जो है ए से बी जा रहा है यानी कि वन, बी से सी जा रहा है टू, सी से डी जा रहा है आपका थ्री, थ्री एजेस जा रही हैं, डी से फोर पे आपकी क्या एजेस है? फोर, फोर एजेस है। और जो आपका डी है, डी आपका सेल्फ लूप बना रहा है। देखिए डी, डी का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डी है और एंडिंग पॉइंट भी डी है, यानी कि ये फाइव एज है। तो इसका मतलब इस ग्राफ में आपका सेल्फ लूप लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल ग्राफ कहलाएगा, मल्टीग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टीग्राफ है। थर्ड वाला हम देख लेते हैं। थर्ड वाले में आपका क्या है कि देखिए ए जो है वो बी से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि मैं इसको आपको शो करके दिखाती हूँ। ए बी से कनेक्ट हो रहा है वन, बी सी से कनेक्ट हो रहा है तो टू ले लो, ठीक है, और बी सी से फिर कनेक्ट हो रहा है तो यानी कि थ्री एजेस, यहाँ तीन एजेस आ गई। डी बी डी से कनेक्ट हो रहा है फोर, ई सी से हो रहा है फाइव, ई ए से हो रहा है सिक्स, ई फिर ए से हो रहा है तो यानी कि सेवन। इस तरीके से जैसे ई था आपका, मान लिया ई और ए, एक उसने एज कनेक्ट करी ई वन और दूसरी करी ई टू, तो इस तरीके की मल्टीपल एजेस उसने कनेक्ट की हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये मल्टीपल ग्राफ कहलाएगा। जैसे बी सी ने भी यही काम किया है, आपके पास था बी और सी, बी सी के पास भी आपका एक ले लो ई फोर और इसने दिया इसको ई सेवन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की या अलग अलग उसको एजेस बना रहा है, मल्टी एजेस बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मल्टीपल ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल ग्राफ हो गया। आप और देख सकते हो, ये भी मैंने ग्राफ ले रखा है डी, ये भी मल्टीपल ग्राफ होता है क्योंकि इसमें सेल्फ लूप भी लगा हुआ है और ये आपकी मल्टीपल ग्राफ अंदर की तरफ बना रहा है। यानी कि ये अगर आपकी नोड ई है तो ये कनेक्ट ए से भी है और आपकी ए ई ए से फिर से कनेक्ट है, यानी कि वन पे है, ये टू पे है, तो ये मल्टीपल ग्राफ का आपका
है कि दो एजेस एक ही नोट से, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी वही है। और बी का क्या है, बी का भी स्टार्टिंग पॉइंट बी है और एंडिंग पॉइंट भी बी है इस एजेस का ई1 के लिए। तो ये आपकी क्या होता है, मल्टीपल ग्राफ, ये मल्टीपल ग्राफ कहलाता है। इस टाइप दूसरा देख सकते हो ई, ई में भी आपका एक बना हुआ है ग्राफ, ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, सी से डी, ई से एफ, बट इसमें ये सेल्फ लूप लगा हुआ है और ए भी सेल्फ लूप। तो दो सेल्फ लूप भी हो सकते हैं, एक भी सेल्फ लूप भी हो सकता है, तो यानी कि ये भी मल्टीपल ग्राफ है आपका। तो मल्टीपल ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ लूप हो या एक कोई भी एज आपकी दो एजेस कनेक्ट हो दो वर्टिसेस से, यानी कि बी वन उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और बी टू आपका एंडिंग पॉइंट हो, उस पर दो एजेस आपकी कनेक्ट हो, यानी कि ई वन एंड ई टू, तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो मल्टीपल ग्राफ कहलाते हैं। ये तो मल्टीपल ग्राफ की बात हो गई, अब हम देख लेते हैं बाइप्रेड ग्राफ। मल्टीपल ग्राफ का आप ये भी थ्योरी लिख सकते हो, मैंने एक दे रखी है आपको ग्राफ जी, इसके अंदर बी और ई है आपकी वर्टेसेस हैं और एजेस हैं। कंसिस्ट अ सेट ऑफ वर्टेसेस बी एंड अ सेट ऑफ एजेस ई सच डेट एज सेट ई मे कंटेन मल्टीपल एजेस एंड सेल्फ लूप। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये आपकी एग्जाम में आई है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। इसका मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ भी बना के दिखाया और डायरेक्टेड ग्राफ भी। अनडायरेक्टेड मल्टीपल ग्राफ देख सकते हो, इसमें सेल्फ लूप लगा हुआ है और बी फोर आपका बी टू से कनेक्ट है, यानी कि बी फोर से बी टू से कनेक्ट पे ई फाइव एजेस भी जा रही है और ई फोर भी एजेस जा रही है, तो इसका मतलब ये मल्टीपल ग्राफ है, ठीक है। ऐसी डायरेक्टेड ग्राफ में भी आप देख सकते हो बी फोर और बी वन दो वर्टाइसेज हैं, उनसे ई वन भी कनेक्ट है और ई टू भी कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी आपका मल्टीपल ग्राफ है, वो भी डायरेक्टेड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीपल ग्राफ की डेफिनेशन हो गई, इसको भी आप लिख सकते हो, वो समझ में आ रही है तो वो लिख लो, नहीं तो ये भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाइप्रेड ग्राफ। तो वाइपरटाइट ग्राफ में क्या होता है कि वाइपरटाइट ग्राफ जो होता है वो उसमें आपका अ ग्राफ जी, उसमें भी आपकी वर्टाइसेस और एजेस यूज होती हैं। इस कॉल्ड वाइपरटाइट ग्राफ इफ इट्स वर्टेक्स सेट बी ऑफ जी कैन बी पार्टीशन इनटू टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट। ये क्या कह रहा है कि वाइपरटाइट ग्राफ में कि आपके पास कोई वर्टाइसेस है बी, ठीक है, कोई वर्टाइसेस बी है, बी से दो आपकी वर्टाइसेस जा रही हैं बी वन एंड बी टू, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया है कि कोई भी वर्टेक्स है उसके दो वर्टाइसेस हैं बी वन एंड बी टू, तो बी टू जो आपका है बी टू अलग ग्राफ बना है, जैसे कि वन टू थ्री और ये आपका हो गया फोर फाइव सिक्स, तो जो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो आपस में भी कनेक्ट हों वो आपके क्या कहलाते हैं, बाइपार्टाइटेड ग्राफ। तो इसमें जो होता है कि ये नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ये बी वन बना है वो खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जो बी वन बी टू है उनके अंदर अलग सेट होने चाहिए, मतलब अलग उनके ग्राफ बने होने चाहिए सबसेट के, जिसे हम सबसेट बोलेंगे, और डिसजॉइंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होना चाहिए। डिसजॉइंट मतलब कि अगर बी वन में आपके वन टू थ्री नोड है तो आपके बी टू में फोर फाइव सिक्स इस टाइप की नोड्स अलग अलग कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वाइपरटाइटेड ग्राफ कहलाते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ये मैंने ले रखा है V1 एंड B2 वाला। तो जैसे आपके पास ये ग्राफ था, ये 1, 2 से कनेक्ट है और 1 आपका जो 2 है वो 3 से कनेक्ट है, ठीक है, मतलब आपस में ये एक दूसरे से हैं, यानी कि ये 1 और ये अगर ये कनेक्ट होता तो ये बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं कहलाता, अगर 1 3 से कनेक्ट होता तो ये बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं कहलाता, यानी कि दो अलग अलग दिखें आपको वो कहलाते हैं आपके बाइपार्टाइट ग्राफ अलग अलग, तो यानी कि 2 और 4 दूसरे V2 के लिए हैं और V1 आपका V1 के अंदर आपके 1 एंड 3 नोड आ रही हैं, तो ये अलग अलग के लिए, तो ये कहलाते हैं आपके बाइपार्टाइट ग्राफ। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, देख सकते हो, जैसे 4 नोड है आपकी, 4 नोड है ये बना रही है आपको 1 से 4 कनेक्टेड, 2 से 4 कनेक्टेड, 3 से 4 कनेक्टेड, तो यानी कि ये V1 हो गया, एक आपका ये V1 हो गया और दूसरा आपका 4 5 नोड से कनेक्ट है, 4 6 नोड से, 4 7 से, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए किसी भी नोड का, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके वाइपरटाइट ग्राफ। तो ये आपके अलग अलग बन गए V1 एंड V2 और आपस में भी एक दूसरे से कनेक्ट हो, यानी कि जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, फोर नोड सारी नोडेड को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वाइपरटाइट ग्राफ। तो अब हम देख लेते हैं, एक नीचे एक और ग्राफ आपका दे रखा है V1 एंड B2 करके, तो ये ज़िगज़ैग आपका जा रहा है, ज़िगज़ैग हमने इसका लिया है, तो ज़िगज़ैग A का D से कनेक्शन है, D का B से है, B का E से है, E का C से है, यानी कि A का B का, A और जो है वो B आपस में कनेक्ट नहीं है, B और C आपस में कनेक्ट नहीं है, तो जो ये अलग अलग बन रहा है आपका, ये बन रहा है, तो ये एक है B1
और दूसरा बन रहा है आपका बी टू। तो ये बी वन के लिए ग्राफ बना, ये बी टू के लिए बना है, यानी कि अलग अलग आपको दिख रहा है। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइपार्टाइट ग्राफ कहलाते हैं। ठीक है, तो आज आपने देख लिया कि दो ग्राफ देखे आपने, एक आपने मल्टीग्राफ देखा, दूसरा बाइपार्टाइट ग्राफ देखा। बाइपार्टाइट ग्राफ में आपका कोई भी वर्टाइसेस होता है वो अलग अलग दो वर्टाइसेस के बनाता है, जैसे बी वन और बी टू अलग अलग लेगा, लेकिन वो नॉन एम्प्टी होंगे, आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, डिसजॉइंट होंगे। उनके जो सेट होंगे अंदर, जो सब ग्राफ बनेंगे वो डिसजॉइंट बनेंगे, और वो आपस में जब कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। अगर V1 आपका कनेक्ट है वो V2 से होना चाहिए, वो आपका V2 से ही उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो बाद में V4 से कनेक्ट, ऐसे इस टाइप से जो आपके कहलाते हैं वो बाइपार्टाइट ग्राफ कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।